तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपको दिखाया जाएगा किसी नए मकान में CPVC पाइप की फिटिंग किस प्रकार से दिखाई करी जाती है। देख सकते हैं, सबसे पहले हम आएंगे बाहर से फ्रेश का पानी आया, सीधा किचन किचन में आए हम। किचन की ये डबल सिंक की फिटिंग हुई है और यहीं से पाइप ऊपर चला गया है, जो कि छत पे से टैंक में से किचन में पानी आएगा और यहाँ से ताज़ा पानी बिल्कुल पीछे जा रहा है, पीछे के बाथरूम के लिए और बेड़े के लिए। देख सकते हैं आप कैसे 1 इंची का पाइप है ये। और यहाँ पीछे आया, यहाँ पे टी लगा और यहाँ पे एक फ्रेश का पॉइंट दे दिया, यानी टूंटी दे दी यहाँ पे, और एक टैंकी भी टूंटी दे दी पीछे। यहाँ पे भी एक टैंक का पॉइंट छोड़ दिया एक्स्ट्रा मशीन के लिए, ऑटोमेटिक के लिए। यहाँ से बैंड करके दरवाजे के नीचे से उठा के यहाँ से उठाया हमने पाइप, और यहाँ पे पीछे एक बैक में वाश बेसिन का पॉइंट छोड़ दिया फ्रेश का और टैंक का पॉइंट। और इधर ही से यहाँ से हमने पाइप अंदर कर लिया इस बाथरूम के लिए, और इस बाथरूम का गीजर पॉइंट है वो हमने बाहर दिया ताकि पिछले बेड़े में लग सके गीजर। और ये इस बाथरूम का डाइवेटर है, डाइवेटर स्पाउट एंड शावर। और यहाँ पे 3 पॉइंट छोड़े गए हैं सीट के लिए, यहाँ पर इंडियन सीट लगेगा और कोने पे कॉर्नर वाश बेसिन लगेगा। बाथरूम की पाइप जो हमें चढ़ाई है वो यहाँ से चढ़ाई है, देख सकते हैं आप। ऊपर सिंगल पाइप चढ़ी है सिर्फ 1 इंच की इस बाथरूम की सप्लाई के लिए और पीछे बेड़े की टूटी के लिए। एक बार ये और देख लो डाइवर्टर एंड शावर। देखो वहीं से सुराग मार के गीजर पॉइंट बाहर कर दिया हमने। और एक दूसरा बाथरूम है, उसको भी आपको दिखाते हैं। ये सामान है, ये दूसरा बाथरूम है, इसमें फिटिंग हो चुकी है। अब इसको प्लास्टर किया जा रहा है, यानी कच्चा किया जा रहा है ताकि हमारी पाइप एक जगह पे स्थिर रहे, हिले ना। जो लेवल वगैरह है वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ये प्लास्टर वाले टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं जो प्लास्टर करते हैं, इस करके हम अपना कच्चा प्लास्टर करके जाते हैं। देख सकते हैं गाइस, ऐसे ही यहाँ पे डाइवर्टर लगा, शावर और गीजर पॉइंट। यहाँ पे मिट्टी का थोड़ा भराव कम है, इस करके हाइट ज़्यादा लग रही है आपको। डाइवर्टर 42 पे ही लगा और यहाँ से ताज़ा टंकी बाहर हमने पॉइंट छोड़ रखा है ताकि बाहर के लिए। यहाँ पे सीट थी और ये अंधेरा हो रहा है, यहाँ पे वाल माउंटर वाश बेसिन है, अगर आपको दिखा है तो सही है। पीछे भी एक ताज़ा टैंकी का पॉइंट छोड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एक लॉबी में वाश बेसिन आ जाएगा। और मैं बाथरूम के बाहर का आपको दिखाता हूँ फ्रंट का व्यूज, भाई इस बाथरूम की पाइप कहाँ से ऊपर गई है। ये देख सकते हैं आप, ये प्लास्टर कर रखा है, कच्चा कर रखा है, यहाँ से ये पाइप ऊपर गई है लेंटर में सुराग मार के, एक ताजे की और एक टैंक की। ऊपर ऊपर वाले बाथरूम में फ्रेश का पॉइंट छोड़ने के लिए ताजे की चढ़ाई है। यहाँ से टी देखो आपको दिख रही है दोनों, ये ताज़ा टैंकी की है जो यहाँ से मुड़ के इधर आएंगे। यहाँ पे आगे फ्रंट में जो 2 टैप आएंगी उस लिए, ये 2 टैप आएंगी इसलिए छोड़ रखा। और यहाँ से नीचे जाके ताज़ा पानी मोटर के लिए जाएगा ये, यहाँ से ये देखो ये सड़क पे से कनेक्शन करके ताज़ा पानी छोड़ रखा है। अभी तो यहाँ पे काम थोड़ा पेंडिंग जा रही है, इस करके छोड़ रखा है। यहाँ पे मोटर लगेगी हमारी पिलर में, जो इसका पिलर आएगा गेट का उसका, ये भी यहाँ पे छोड़ रखा है। अभी थोड़ा काम बाकी है इधर का। एक बार मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ पाइप कैसे गई है। देखो नीचे से गई, फिर ऊपर से भी गई है सीधी, ऊपर से ऊपर के बाथरूम से ऊपर के लिए। मैं ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे गई है।
अभी यहाँ पे कटर चलाया थोड़ा काम पे। तो भाई साहब आपको छत का भी दिखा देते हैं एक बारी। नीचे का तो हो गया, अब जो हमारा किचन का नीचे से पाइप आ रहा था वो देखिए, एक फ्रेश का पानी आया और एक गर्म उसका नीचे के टैंक की सप्लाई का पानी आया, ये दोनों सीधा ऊपर गए। टैंक की और गीजर की और एक आरओ की एक्स्ट्रा ऊपर गीजर पॉइंट, और इसी का टैंक यहाँ से सीधा ऊपर चला गया। ये दो पाइपें थी और ये अब तीन हो चुकी है। टंकी भरने का फ्रेश भी है, नीचे की किचन का भी है और ऊपर की किचन का भी है, और ऐसे ही ये पीछे चला गया। पीछे गया टंकी ताज़ा, दिखाते हैं किस लिए गया। निकला और पीछे बेड़े में जो ये बेड़ा है पिछला छत का जो खाली एरिया रहेगा, यहाँ पे एक टैंक की और फ्रेश की टैप आएगी, और ये भी एक टैंक की है, ये भी एक टैंक की है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन रहेगी दो दो, इसलिए डबल डबल पॉइंट छुट्टे हैं, एक नीचे एक ऊपर। और यहाँ से हमारी पाइप जो नीचे पीछे मैंने आपको बाथरूम दिखाया था, यहाँ पे हमने एक बाथरूम दिखाया था आपको जिसके पीछे ये दो पाइप खड़ी थी पीछे, ऐसे करके यहाँ से ऊपर जानी है। यहाँ से ऊपर तो चली गई है, नीचे जानी है यहाँ से। पौड़ियाँ नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता छत का व्यू, और एक बाथरूम और दिखा देते हैं। जिसमें डाइवर्टर लगा था उसी के ऊपर ये बाथरूम है। यहाँ से पॉइंट पानी आया ताज़ा टैंकी, ऊपर डाइवर्टर नहीं लगाया क्योंकि डाइवर्टर में पानी स्लो आता है इतनी हाइट पर। अगर इसके ऊपर मोंटी होता, मोंटी के ऊपर टैंक होता तो पानी का प्रेशर सही आता, इस करके डाइवर्टर नहीं लगा। कंसीड लगी है यहाँ पे तीन टैप, ताज़ा टैंकी, गीजर और ये शावर और गीजर पॉइंट ही आ गया हमारे बाथरूम के अंदर ही। और एक फ्रेश में शावर है और एक टैंक में शावर है, गीजर का लिया नहीं है। और यहाँ पे सीट आएगी एक, छोड़ दिया, कंसील्ड नहीं लगी है यहाँ पे। वॉश बेसिन है, ताज़ा टैंकी का पॉइंट है इसमें। बाथरूम का पाइप कहाँ से चढ़ा है ऊपर, कहाँ से गया टैंकी का, देखो यहाँ से नीचे के बाथरूम का आया 1 इंची का पाइप, 1.5 इंची का पाइप आया है यहाँ पे उस बाथरूम को फ्रेश का देने के लिए। यहाँ से ऐसे मुड़ के यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टैंकी का पॉइंट छोड़ रखा है ताकि गमले वगैरह में पानी दे दे, और यहाँ से सीधा छत पर चले। सो गाइस यहीं पे करते हैं हम वीडियो का एंड। अगर हमारी वीडियो पे देर तक बने तक रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।